अब जान का सबसे खराब रोग क्या है? मोटापा। मोटापा कम करना है तो भरपेट गुड़ खाइए, भरपेट तिल खाइए, भरपेट मूंगफली खाइए, मोटापा भी कम हो जाएगा। तो गुड़ खाइए, मेरा कहने का मतलब ये है। अब गुड़ के कितने प्रिपरेशन है हमारे घर में? गुड़ का तिल का प्रिपरेशन एक है, तिल पट्टी कहते हैं, गजक गजक, तो भरपूर गजक खाइए। क्यों खाइए जी? तिल है और गुड़ है। गुड़ में जो केमिकल है ऑर्गेनिक, तिल में लगभग वही सब है जो गुड़ में। तिल भी क्षारीय है, गुड़ भी क्षारीय, और दोनों क्षारीय चीजें खाएंगे तो पेट के अम्ल को बैलेंस करती रहेंगी। तो तिल गुड़ रोज खाइए, माने तिल की पट्टी बनाइए, गजक बनाइए, नहीं तो तिल का लड्डू बनाइए, गुड़ के साथ बनाइए। फिर इसी तरह से मूंगफली है, मूंगफली भी क्षारीय है और गुड़ भी क्षारीय है, तो मूंगफली और गुड़ मिला के वो पट्टी आती है वो खाइए, बच्चों को खिलाइए। और आपके पास जो भी प्रिपरेशन है गुड़ तिल के, गुड़ मूंगफली के, वो सब बनाइए। और ये जो तीन चार महीने हैं, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी तक, भरपेट खाइए, भरपूर खाइए, क्योंकि इस समय आपके शरीर को इन्हीं की जरूरत है। तो कफ जिंदगी से बहुत बहुत दूर रहेगा। तिल खा रहे हैं, गुड़ खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे हैं, कफ बढ़ने की बिल्कुल संभावना नहीं, तो जिंदगी में कफ के रोग आने की संभावना नहीं। अब जानते कफ का सबसे खराब रोग क्या है? मोटापा। मोटापा कम करना है तो भरपेट गुड़ खाइए, भरपेट तिल खाइए, भरपेट मूंगफली खाइए, मोटापा भी कम हो जाएगा। आपको डर है ना, तिल खाएंगे जी उसमें से तेल है, तेल तो है तिल में, लेकिन वो HDL वाला, LDL वाला नहीं है, VLDL। ये मोटापा जो है ना वो VLDL और LDL का चक्कर है। HDL जैसे ही बढ़ेगा मोटापा अपने आप कम होगा, पेट अंदर ही जाएगा। आप में से कोई भी मेरे कहने पर 3 महीने एक एक्सपेरिमेंट कर लीजिए, तिल चबा चबा के खाइए, खाने के बाद 3 महीने के बाद वजन नापेंगे, 8-10 किलो कम मिले, कम से कम इतना कम मिले। खाना खाया, खाने के बाद आप सौंफ खाते हैं ना, सौंफ की जगह तिल खाइए, और काला खाया तो और ज्यादा वजन कम मिले। काला तिल एक है सफेद, काले की गुणवत्ता सफेद से भी ज्यादा है, लेकिन ये इन्हीं 4 महीनों में। गर्मी में अगर आपने यही तिल खाया तो प्रॉब्लम आएगी। बागवत जी कहते हैं कि तिल खाने का सबसे अच्छा समय वही है जो आज चल रहा है, ये फरवरी तक चलेगा, तो फरवरी तक, और कभी बहुत ज्यादा लिबरल हो तो होली के दिन तक वो कहते हैं तिल खाने का समय है, होली होते ही तिल कम करिए या खत्म करिए। फिर कुछ और चीज आएगी, वो क्या आएगी वो मैं बता दूं, लेकिन आप ये करके देख लीजिए, 4 चीजों को ज्यादा उपयोग आप करेंगे, वजन आपका कम होता जाएगा, पेट का अम्ल कम होता जाएगा, घुटनों के अंदर का जो कई बार कहते हैं ना डॉक्टर, यूरिक एसिड जमा हो गया जी, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड क्या है? अम्ली ही तो है। तो ये यूरिक एसिड आपको कम करना है, तो गांठ के सब जो माने जोड़ों के दर्द आपको कम करने हैं, तो इनके लिए ये सब चिकित्सा बताई है, तिल है, गुड़ है, और मैंने एक चीज बोली थी कि अगर आप जैन नहीं है तो शहद है। शहद में बागवत जी कहते हैं छोटी मधुमक्खी का शहद, बड़ी का नहीं, तो शहद लाए तो उसको पूछ लीजिए। आप में से किसी को भी ये तकलीफ है कि आपके शरीर में मेद बढ़ा हुआ है, मेद माने मांस बढ़ा हुआ है, बहुत लोग परेशान है मोटापा मोटापा, मेद माने कफ बढ़ा हुआ है, सीधी सी बात, तो आप त्रिफला खाइए। कब खाना है आपको? रात को नहीं खाना है, सवेरे खाना है। जिनको भी मांस बढ़ा है शरीर पर, मेद बढ़ा है, उनको अगर छाटना है, इसको कम करना है, तो त्रिफला सवेरे खाना, आंवला सवेरे खाना। आप त्रिफला नहीं खा सकते तो आंवला ही खा लीजिए, 4 आंवले 3 आंवले रोज खा लीजिए, आंवले को मुरब्बा बना के खा लीजिए, मुरब्बा को और आंवले का अचार बना के खा लीजिए, आंवले की चटनी बना के खा लीजिए, जैसे भी है आंवला खा लीजिए, 3 से 4 आंवला जितना होता है ये पेट में जाते रहे, तो साल भर में आप देखोगे आप पहले से ज्यादा स्लिम और ट्रिम हो जाएंगे। और आंवले के बारे में आज के जो वैज्ञानिक कह रहे हैं, आज के वो कहते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा एंटीऑक्सीडेंटल फल कोई है तो वो यही है। एंटीऑक्सीडेंट जरूर माने जो ऑक्सीडेशन की क्रिया को कम करे, और शरीर में हमेशा ऑक्सीडेशन चलता है, ऑक्सीडेशन में उम्र कम होती है, शरीर के हर अंग का क्षय होता है, तो अगर उम्र बढ़ानी है और अंगों का क्षय बचाना है तो आंवले से अच्छी कोई चीज नहीं। दैनिक जीवन में भोजन में इसको जरूर धारण करिए। बागवत जी कहते हैं कि जब त्रिफला खाएं, आंवले के बारे में तो वो कुछ नहीं कहते, वो कहते हैं साल भर खाओ, 2 साल खाओ, रोज खाओ, कोई दिक्कत। त्रिफला खाएं तो 3 महीने लगातार खाने के बाद थोड़े दिन छोड़ देना, 3 महीने 90 दिन खा के थोड़े दिन छोड़ देना, माने 15-20 दिन छोड़ देना, फिर अगले 3 महीने खा लेना, फिर 15-20 दिन छोड़ देना, फिर 3 महीने खा लेना। क्यों कर लेना ऐसा? वो कहते हैं कि ये छोड़ना जरूरी है बीच में, नहीं तो शरीर को आदत लग जाती है, और वो आपने अगर छोड़ा नहीं तो आपको कुछ दुष्परिणाम भी दे सकता है। लगातार अगर त्रिफला खाया तो कई दिन एक कमजोरी आ गई, अगर बीच में छोड़ा नहीं तो छोड़ के खाना।
अब किसी व्यक्ति के लिए जो छोड़ने का समय है वो 3 महीने से थोड़ा पहले भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, इसलिए मैंने बीच का बताया, 3-3 महीने करके छोड़ छोड़ के खाना। अब आज के लिए सूत्र। थोड़े दिन पहले हमारे पास एक दंपत्ति आए फिनलैंड से, एक पति और एक पत्नी दोनों आए। उन्होंने कहा मुझे भारत का गांव देखना है, तो हमने एक गांव में भेज दिया। संयोग से जिस गांव में गए वहां शादी थी, तो हमने कहा उसमें भी आप शामिल हो जाइए तो भारत क्या है आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वो शादी में जब शामिल हुए तो रोटियां बना रहे थे, कोई पूड़ी बना रहा है, तो गांव में तो आप जानते हैं ना नौकर नहीं बनाते, सब गांव इकट्ठा होकर बनाता है। जिसके घर में शादी है उसके घर में दूसरे घर के लोग आ जाते हैं, दूसरे घर का चूल्हा बंद हो जाता है, सब एक ही घर में खाते हैं। तो सब महिलाएं बना रही थी, तो उस फिनिश दंपत्ति ने पूछा ये सब कितना पैसा लेंगी। तो उनको कहा ये पैसा वैसा नहीं लेने वाले। तो ये कैसे हो सकता है? तो हमने कहा ये है क्योंकि भारत कोऑपरेशन पे चलता है, कंपटीशन से नहीं चलता ये देश। हमारे समाज में कोऑपरेशन है, कंपटीशन नहीं है। तो फिर वो फिनिश दंपत्ति में जो महिला थी वो सबसे ज्यादा इस बात को परेशान थी लेकर कि ये रोटी एकदम गोल बन रही है, 100% गोल। उसकी जिंदगी में ये कल्पना नहीं है कि 100% गोल चीज कोई हाथ से बन सकती है। वो कहती है उसने कभी सोचा था भारत के बारे में कि मशीन से बनाते होंगे रोटी, और वो कह रहे हैं ये हाथ से बनाते हैं 100% गोल। तो उसका जितना कैमरे में रील थी उसने सब उसी पे खर्च कर दी गोल रोटी बना के देखने में उसको। माने आपको मैंने ये उदाहरण इसलिए दिया कि उनके लिए ये अजूबा है, उनको लगता है कि कोई महिला ये कर पाए। और मैंने जब वो जा रहे थे तो पूछा आपको भारत में कौन सी चीज सबसे अच्छी, तो उनका ये जो रोटी है गोल ये सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है जिसकी वैल्यू हमारे लिए सबसे ज्यादा है क्योंकि हम जानते नहीं ये कैसे बनती है। और आपके घर में हर माँ बहन इसको बना सकती है, 10-12 साल की बहन भी आसानी से बना सकती है। इसका मतलब है कि रोटी ताजा और गर्म ये भारत में ही संभव है, दुनिया के दूसरे देशों को नसीब नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि आपके पास कितनी वैल्यूएबल चीज है गर्म रोटी, और उसको आप छोड़कर ठंडी करके खाएं तो ये आपका दुर्भाग्य है, सौभाग्य नहीं। तो रोटी को गर्म गर्म ही खाएं, गरम गरम ही खिलाएं। यूरोप में कोई किसी को खिलाता नहीं क्योंकि कोई बनाता नहीं और जानते भी नहीं। वहां तो बेचारे 3-3 महीने पुरानी रोटी खाते हैं जिसको डबल रोटी कहते हैं, पाव रोटी कहते हैं। मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन किया था कि पाव रोटी बनने के बाद और खाने तक 90 दिन निकल जाते अमेरिका और यूरोप में। पता है क्या कि गेहूं हर जगह होता नहीं, कुछ जगह होता, तो गेहूं बड़े बड़े ट्रक में भर के वहां तक जाता है जहां गेहूं को पीसने वाली चक्कियां लगी हुई हैं, फ्लोर मिल्स, वहां उनका आटा बनता है। फिर वो आटा ट्रक में भर भर के फिर वहां जाता है, फिर जाकर उससे डबल रोटी बनती है, फिर वो वहां से बनकर कहीं और जाती है, फिर ऐसी चक्कर में 90 दिन निकल जाते हैं। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में भागवत जी कहते हैं कि आटे को जितना ताजा इस्तेमाल किया उतना ही बेहतरीन है। आटे के बारे में वो कहते हैं जितना ताजा इस्तेमाल किया उतना ही बेहतरीन है। रोटी के बारे में कहते हैं 48 मिनट के अंदर खा लेना चाहिए, और पिसा हुआ आटा वो ये कहते हैं कि 15 दिन से ज्यादा पुराना कभी भी मत खाना, 15 दिन मैक्सिमम, वो भी गेहूं के लिए। ये चना और मक्की और ज्वारी इसके लिए तो 7 ही दिन कहा हुआ, 7 दिन से ज्यादा पुराना नहीं खा सकते, क्योंकि वही किस्सा है, उसकी माइक्रो न्यूट्रिएंट कैपेसिटी लगातार कम होती चली जाती है। तो अब आप बोलेंगे जी ताजा आटा कहां से लाएं? चक्की है, जिंदाबाद। हिंदुस्तान में हजारों लाखों वर्षों से आटा ताजा बनाकर रोटी बनाने की परंपरा है कि नहीं? जो माताएं यहां बुजुर्ग हैं इन्होंने अपना गांव देखा होगा, अपने गांव के घर की चक्की देखी होगी। ये चक्की पे मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि ये क्या अद्भुत चीज बनाई है हमारे ऋषि मुनियों ने। ये दुनिया की ऐसी अद्भुत मशीन है जो आपको ताजा आटा तो देती ही है आपके शरीर की स्वास्थ्य के लिए, और आपके अंदर की मांसपेशियों को हमेशा फ्लेक्सिबल रखती है।